आज है 28 मार्च 2023 और अभी हम ये शिवालय वाले खेत पर हैं। और इस खेत की जो है अभी ये पहले साल का केला है, पहले साल का। इसके पिछला फसल कौन सा था? इससे पहले क्या लगाते हैं? क्या लगाए थे? केला लगाए थे। आपका नाम क्या है? अनवर भाई। तो अनवर भाई पहले भी केला लगाए थे, तो हर साल लगाते हो केला? एक ही फसल लेते हो केले की? एक ही फसल लेते। अच्छा, केला काट के फिर केला नया केला लगाते हो? तो टिश्यू कल्चर लेते हो कि कंद वाला लेते हो? कंद भी लेते, टिश्यू भी लेते। ये कंद में लगा है कि टिश्यू में लगा है? ये कंद में लगा है। ये कंद में लगा है। अच्छा, चलो। तो अनवर भाई मैं खेती का एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार मोटा मोटा भी ये बता दो कि जब आप ये जो है जुताई करते हो, प्लाउ लगाते हो, नागट्टी करते दूसरी? हाँ। लोटर करते, फिर सरे डाल के फिर लगाते। अच्छा, खाद क्या क्या डालते हो जमीन में? खाद है कुछ रासायनिक खाद है। हाँ, और वो भी जमीन पे ही डाल देते शुरू में? हाँ, कुछ ड्रिप्स डालते कुछ नहीं। शुरू में जब जमीन तैयार करते हो, बेड बनाते हो, तब क्या क्या डालते हो बताओ? ये फास्फेट डालते, फिर खाद डालते, फिर गोबर की खाद भी कुछ डालते हो? कंपोस्ट करके कितना डाल देते हो? एकड़ में 5 ट्राली। 5 ट्राली एकड़ में? दो बार डालना पड़ता है, 5 ट्राली हो जाती है। अच्छा, तो एक डालते हो जब जमीन बनाते समय, और दूसरा कब डालते हो? केला इतना हो जाए तो काय में डालते हो? इसमें धार के ऊपर ही डालते हो? फैला के, और फिर इसकी मिट्टी चढ़ाते हो? अच्छा, मतलब यहाँ डाल के मिट्टी चढ़ा देते हो? ये नाली में लगता है। यूरिया कितना डालते हो? कितने बार में डालते हो यूरिया? यूरिया 4 बार डालते हजारी को एक क्विंटल के हिसाब से। 4 बार डालते हो? और डीएपी? डीएपी कम डालते, महंगा है के हिसाब से थोड़ा कम डालते डीएपी। फिर भी कितना डाल दो? बोरी एक क्विंटल के हिसाब से डालते हो? एक क्विंटल कितने बार में डालते हो? तो समझ लो 4 बार में डालता हूँ। 4 बार में? अच्छा, और यूरिया डीएपी हो गया। अब जो है पोटास कितना डालते हो इसमें? पोटास भी थोड़ा सा महंगा भी है, तो वो भी एक क्विंटल के हिसाब से डालते। कितने बार में डालते हैं? वो भी 4 बार में डालते। 4 बार में? इसका डोज बनता है। हाँ। अलग अलग मटेरियल का। हाँ। अलग अलग लेते, पोटास यूरिया। हाँ। और ये मिला के और मिक्सर करके डालते। 4 बार में डालते हो? 4 बार। और क्या डालते हो? जिंक? जिंक थोड़ा थोड़ा, जो जिंक ड्रिप से छोड़ देते। फिर 5-5 किलो? कितना किलो छोड़ देते हो साल भर में? 25 किलो के आसपास है। हजारी को 25 किलो? ठीक है, और 25 किलो छोड़ देते। और क्या छोड़ते हो? कुछ सल्फर, मैग्नीज, कॉपर सब मिक्सचर रहता है। सब मिक्सचर रहता है। कहाँ से लेते हो? जहाँ सस्ता मिलता वहाँ से ले लेते। अच्छा, जहाँ सस्ता मिलता वहाँ से ले लेते हो। तो ये निर्णय कौन करता है कि यहाँ जिंक छोड़ना चाहिए, कॉपर छोड़ना चाहिए, ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट ये है सब आप लेते हो? जानकारी है अपने को डालते हो? अच्छा, किससे पूछते हो ये? किससे भी? अभी दुकान वाला भी बचपन से कर रहे हो तो आपको जानकारी है। तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं कि आपको बचपन से केला कर रहे हो, तो आपको पता है क्या डालना चाहिए? फिर दुकान वाला भी बता देता अपने को इस तरह करना। दुकान वाले बता देते हैं। हाँ, इससे भी अपन कुछ ले लेते नॉलेज। दुकान वाले से भी कब क्या डालना? जाओ आप, चलो इधर आओ जरा। ठीक है, ये तो आप बताओ मुझे, बताओ कि आप जो है कि अनवर भाई, और आपका नाम क्या है? मुख्तार भाई। मुख्तार जी, इधर आओ मुख्तार जी। ये आपके केले की धड़ आई हुई है ना? पहले साल का केला ये है ना? धड़ को जो है पॉलिथीन वगैरह कुछ नहीं डालते क्या? ऐसे लेते हो? ऐसे डालते हैं अभी तो। ऐसे लेते हैं? कितना किलो का धड़ आ रहा है? ऐसा निकल कितना जाता है वैसे? ये कैसा कितना धड़ है? कितना है? कितने किलो का आता है? 10-11 फनी है। 2, 9, 3, 4, 5 है ना? 6, 7, 8, 9। तो ये जो है 8-9 फनी है, तो कितना किलो हो जाता है? 15-16 किलो आ जाता है। 16 किलो? 16, 17, 18, 20 तोलते नहीं सर, जो भी कम ज्यादा बैठते रहते हैं। ये 20 के ऊपर ही जाएगा। 20 के ऊपर है। अच्छा, मोटा होगा ज्यादा? 20 के ऊपर होगा।
अच्छा दवा में क्या क्या डालते, बीमारी क्या क्या आती पहले अनवर भाई? प्रोजीवे जैसे मैं एंगल बताऊं, अरे मेरे भाई उससे कुछ नहीं, ये क्या है जैसे वास्तव में आप क्या करते हो सब बताओ। ये बताओ जैसे अभी ये जो है क्या बोलते हैं इसमें बीमारी क्या क्या आती पहले तो ये बताओ आप खेत में। ये ठंडी में आती ज्यादातर बीमारी क्या आती है? ये चरखा आता है, देखो ये चरखा है, अब ये खत्म हो गया, इसको चरखा बोलते हो, ये खत्म हो गया। फिर ये ऊपर आता है, और क्या बीमारी आती है? चरखा पर वो चरखा है हरने पर आता, हरने हरनिया हरने झाड़ एकदम वो जो होता है। अच्छा अच्छा, सिका टोका, सिका टोका, हाँ हरनिया बोलते हैं, सिका टोका है। अच्छा, अब इसके लिए क्या दवा फिर क्या डालते हो? छिड़काव ये दुकान वाले के पास जाओ, हाँ। उसको ये बताओ ये स्थिति है, वो फिर वो हिसाब से अपने को छिड़काव के लिए देते हो। हाँ। मतलब 10-12 साल से आपको दवा का ध्यान नहीं आया, कौन सी दवा देता है वो? आया है नहीं, ये डालते ना जो ये होमिक एसिड है, होमिक एसिड डालता है वो, तो खैर उत्प्रेरक है। इसके लिए कोई केमिकल क्या आता है? ये तो होमिक एसिड से जाएगा नहीं, 1919 डालते हो। अच्छा, तो उसको स्प्रे करते हैं कुछ झाड़ बढ़ाने के लिए। अच्छा, आपका दवाई कहीं भंडारित करके रखते होंगे ना, आप कहाँ रखते हैं? चलो इधर आओ, इधर आओ, ठीक है। अभी जो है मैं तुमको एक दो प्रैक्टिकल वो नौजवान को बुलाऊं उसको, हाँ भैया मोटरसाइकिल सीखने वाली बात है, थोड़ा एंगल इधर आओ, यहाँ आओ। अभी मैं जो है इनको यहाँ खड़े हो तुम, डिब्बी डिब्बू फेंक दो, हाथ ऐसे करो, मेरे ताकत को रोको, मैं दबा रहा हूँ, मेरे से ज्यादा ताकत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, मुझे दबना नहीं चाहिए, हाथ हाथ दबना नहीं चाहिए, इज्जत का सवाल है बुरहानपुर का। चलो मेरे हाथ तो रोको, मैं दबा रहा हूँ, हाथ सीधे रखना, टेढ़ा मत करना, ये कोशिश करें पूरा दबाने की और आप दबने नहीं देना, दबने क्या बात है, बुरहानपुर में बहुत ताकत है ना। अब जो है ये मिट्टी उठाओ और यहाँ हाथ में रखो, गीली मिट्टी हथेली में रखो, ऐसे हाथ में रखो, यहाँ रखो, मुट्ठी बंद कर लो, इसको बंद कर लो मुट्ठी, फिर से उठा, है ना, अब फिर मेरे ताकत ताकत लगाना, वैसे रोकना, ठीक है, रोको, हाँ रोको, पूरा रोको, हमें दबा रहा हूँ, रोको, हाँ जैसे भी, थोड़ा पीछे से रख जाओ, पूरी ताकत लगाना अपने को, कमजोरी नहीं, मैं सिखाने आया हूँ तुमको, हराने नहीं आया हूँ, सिखाने आया हूँ, हाँ जैसे, हाँ ऐसे पकड़ लो, हाँ ऐसे पकड़ लो, हमें ताकत नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, हाथ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, करो करो, रोक पाए, कितनी कितनी ताकत घटी, लगाओ, कितनी घट गई, ऐसे कम लग रही है, ऐसे ज्यादा लग रही है, ऐसे भी लग रहा है, ऐसा करना होगा, वैसे पूरा सीधा रखना, पूरा सीधा रखो, सीधा रखो, सीधा रखो, मोड़े मत, इस पे मत आने, वो मिट्टी फेंक दो, चिंता मत करो, मैं हाथ साफ कर लो, तुमको सिखा रहा है कि खेती कैसी करने से और कैसे होती है, ये उसका तरीका मतलब सामने तेरे को बता रहा है, चेक करना बता रहा है कि जमीन की ताकत कैसे चेक करना है, पहलवान है ना उनके सामने तू, अरे तू पहलवान है कि नहीं, ये जो है इसको पकड़ो, अब इसको पकड़ो, सुनते हैं, इसको पकड़ो, ऐसे मुट्ठी बंद करके रखो, ठीक है, वैसे पकड़ो, हाँ पकड़ो, मैं जितनी ताकत लगा, रोको रोको, हाँ रोको रोको, अभी घट रही क्या? नहीं घट रही है, फिर से मिट्टी पकड़ लो, फिर से घट जाएगी, पकड़ लो पकड़ लो, कोई मिट्टी पत्ता फेंको, मिट्टी रख लो, फिर मिट्टी को यहाँ पकड़ो, ऐसे अब पकड़ो, अब ठीक है, करो, हाँ रोको, हाँ रोको, नहीं रुकती, अभी खत्म हो गई ताकत, हुई है कि नहीं हुई है, तुम ही फर्क बताओ, अरे थोड़ी नहीं पूरी हो गई है, तुम एक्चुअल बताओ कितनी ताकत घटती है मिट्टी पकड़ने से, थोड़ा अच्छे से मिट्टी पकड़ो जरा, पकड़ने में जरा गड़बड़ी की है, पूरी मिट्टी हाथ में लो, बेटा अपने हारने का माला, अब जो है मैं हरा नहीं रहा हूँ तुमको, मैं सिखाने आया हूँ, समझ रहे हो, तुमको फ्री में सिखा रहा हूँ, घट रही की नहीं ताकत मिट्टी पकड़ने से, तो जो मिट्टी ताकत तुम्हारी घटा रही है, और 99% घट रही है तुम्हारी, 1% बच रही है, जो दो तुम्हारी ताकत घटा दे, क्या फसल की ताकत नहीं घटाई? तो ये सब चीजें, हाँ कि ना, फसल की ताकत घटेगी कि नहीं घटेगी? अब ताकत घटेगी तो उपज घटेगी कि बढ़ेगी? भाई तुम्हारी 99% ताकत घट गई ना, घटेगी नहीं घटेगी?
इसको समझ ही नहीं आ रहा है असल में कुछ कहानी इन, इन, ये एक पहलवान हो रहे गुरु जी अपने भाई चलो आओ नहीं नहीं वो समझ गया वो भी समझ गया आ जाओ आप भी आ जाओ जिस पहलवान जानकारी है हां मुट्ठी बंद करो मैं आप लोगों को समझ में आ गई बच्चे सब कंफ्यूजन में है अभी मैंने मुझे जानकारी चाहिए ये मेरे ताकत को आसानी से रोक रहे हो ना उठा लो कहीं की मिट्टी उठा पकड़ लो कहीं की पकड़ो अच्छी मिट्टी में रख लो पर्याप्त रखो और पूरी कोई भी गीला सूखा कोई भी रख लो पूरी पूरी पता मिट्टी भर लो पूरी हां पकड़ो हाथ अभी इधर आओ वैसी वैसी रोकना रोको रोको पूरी ताकत लगा के रोको रोको हाँ रोको रोको नहीं रोक पाए खत्म है ताकत टोटल खत्म है कि नहीं 99% ना फिर से मट्टी फेंको फिर से मट्टी फेंक लो चलो हाथ रखो हाथ साफ करो अब रोक लो पानी अब देखो रोको 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 रोक ली आ गई ताकत वापस आ गई ताकत तो ये है पहला कारण अभी क्या है कि ये फसल जो है जब तक इसको आप ताकतवर नहीं बनाओगे तब तक फसल नहीं इसको केवल ताकतवर बना लो फसल कितनी बढ़ जाएगी अंदाजन बताओ मुझे अगर मिट्टी ताकत देने लगे तो फसल कितनी बढ़ सकती है बहुत बढ़ सकती है दुगनी हो जाएगी अभी तुम ले रहे हो 16 किलो का 32 तो पक्का है बिल्कुल सही बात है नॉलेज वाली बात है अरे ये तो प्रैक्टिकल है नॉलेज तो बात की बात है प्रैक्टिकल है अब ये है और मेरा है 56 किलो का खाम निकलता है अपनी टेक्निक में एक पौधे से कितना 56 किलो का और यही जो है G9 केला 20-21 फुट तक चला जाता है ठीक है और अभी जितना बड़ा घड़ आप ले रहे हो इतना मैंने पांचवे साल का भी जो है घड इससे बड़ा है मतलब एक बार लगाया पांचवे साल में भी आया इससे बड़ा ये गन्ने के रटून कैसे रहते हैं चौथी फसल पांचवी फसल गन्ना एक ही बार लगाया वैसा पांचवी बार केला वही कट रहा है पांचवी बार वही केला कट रहा है एक बार लगाया और पांचवी बार भी काट रहा है एक तो ये दूसरा जो है अभी आपके खेत में यहाँ का मिट्टी का मैं चेक कर रहा हूँ ठीक है कार्बन ये तो मैंने चेक किया आपका क्या ताकत अब मैं चेक कर रहा हूँ इसके अंदर खुराक कितना है ठीक है हाँ खुराक इसके अंदर चेक कर रहा हूँ कि खुराक सबसे बड़ा खुराक होता है वो कार्बन होता है जिससे ये पूरा कार्बन से बना है ठीक है सबसे बड़ा खुराक है कार्बन DAP नहीं है फॉस्फोरस नहीं है यूरिया नहीं है ठीक है यूरिया इसके अंदर होता है 1.3% कितना 1.3% हाँ और फास्फोरस होता है 0.5% से भी कम और पोटास होता है उससे भी कम 0.5% से कम फास्फोरस आधे से कम पोटास और यूरिया जो है 1.5% के अंदर रहता है कार्बन रहता है 97% कितना परसेंट 97 और 1.5% में कितना अंतर है बहुत अंतर है तो सबसे बड़ा खाद है कार्बन सबसे बड़ा खाद कौन है कार्बन क्योंकि कितना परसेंट रोल है उसका 97% तो मैं कार्बन चेक करता हूँ इसमें ठीक है तो जो 97% बनाता है वो कितना 0.5 भी नहीं है इसमें यानी 0.5% भी नहीं है ठीक है हाँ 0.4% है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 है इसमें 0.43 अब ये मिट्टी उठा के दुनिया किसी लैब में मेरी माला ने बताया 0.43 उतना ही निकलेगा तुम कहीं जाके चेक करा लो तो जो 97% रोल अदा करता है बनाने में वो कितना है 0.5% से कम 0.43 है ठीक है इसको 2% कर लोगे तो आज 0.43 0.5% में ऐसा कर रहा है अगर 2% कर लोगे तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बढ़ जाएगा तो मैं क्या है पहले तो मिट्टी पॉजिटिव करूंगा फिर जो कार्बन जिससे बनता है उसको 2% तक लेके आऊंगा ठीक है ये 6 महीने भी हो जाएगा कोई बड़ा भारी काम नहीं है ठीक है ये एकदम से नहीं बढ़ेगा धीरे धीरे बढ़ेगा ठीक है तो अब 0.4% से जो है 2% कार्बन हो गया तो फसल और बढ़ी अब मैं तुम दे रहे हो फास्फोरस और DAP और पोटास उससे ताकतवर खाद मैं जो है आपको उपलब्ध करवाऊंगा बना भी दूंगा अभी इनके खेत में बनवाएंगे ये भी मुझे कल ही मिले हैं ठीक है आप बना सकते हो आपको सिखाऊंगा पर उसमें टाइम लगता है बहुत अच्छे दस्तकार है अच्छा हाँ ठीक है तो वो खाद जो है वो उसको डालो ठीक है समझ गए हाँ जहाँ DAP डालते हो 50 किलो ये खाद डालेगा 25 किलो कितना 25 किलो हाँ जहाँ DAP आता है तुम्हारा 1250-1300 का आता है ना अब तो अब 1600 हो गया ये खाद आएगा जो है 550 का ठीक है हाँ
1700 की हो गई, 1700 चला गया पोटास चला गया। मोदी जी को गाली नहीं दोगे बस, उसके लिए आया भैया। हाँ तो मोदी को गाली देते ना तो सस्ता। आपको क्या है ये खाद जो है जो मैं बताऊंगा ये डालना है, ठीक है? ठीक है हाँ। और इस मिट्टी में जो है फास्फोरस भी इसमें जो है बढ़ाना है, सल्फर भी बढ़ाना है, जिंक भी बढ़ाना है। तो इसमें क्या है, मैं जिंक फास्फोरस सल्फर ये आपको एक मटके में पका के डालने की विधि सिखाऊंगा, ये बताएंगे। या तो आना आ जाओ सीखने जहाँ मेरी ट्रेनिंग, वहाँ जाओ ट्रेनिंग है, वहाँ जाओ। हाँ लंबा लेक्चर दूंगा, हमें गाँव में इनको बुलाया दीदी ने, सब भाई आना, आना जरूर, करना नहीं करना बात की बात है, सुनना जरूर पहले, ठीक है? मतलब वहाँ जाओगे तो समझ में आएगा हमारे खेत में कौन आके खड़ा है, तुमको ठीक है समझ में आए ना बात। इनका भाषण 1 बजे से है, तुम 12:30 बजे वहाँ पहुँच जाओ, ठीक है? दीदी के कहने पे यहाँ आए हैं, नहीं तो ये नहीं आते। साधारण तरीके से आ गए तो आपको ऐसा लग रहा है कौन आ गए, बहुत बड़ी जानकारी दी होगी ना, मिलते नहीं तो। तीसरा बात है मेरी टेक्निक में ये सिक्का टोका वगैरह कुछ नहीं आता, समझ रहे हो? जैसे ये सिक्का टोका आया आपका, ये जो है रस्ट आया है, ये नहीं आता है। तो आपको क्या है ये आता है, उसका कारण है मिट्टी में जो है अग्नि तत्व नहीं है, मतलब आग नहीं है मिट्टी में, अग्नि तत्व। जब जैसे हमारे शरीर में अग्नि नहीं रहती तो हम सर्दी खांसी होती ना, हमको नहीं होती सर्दी खांसी, खूब होती है हमारे शरीर में ताकत, आग मतलब अग्नि नहीं रहता। तो अग्नि तत्व तो मिट्टी में बढ़ाना है, तो वो उपाय और कर दूंगा तो ये बीमारी नहीं आएगी, समझ रहे हो? तो आपका जबरदस्त आएगा। एक और मेरी टेक्निक है, ये है रूट बढ़ाने की। अभी आपकी जो केले की जड़ है उसकी एक रूट निकालो, कहीं की भी निकालो, इसकी रूट निकालो ऐसा थोड़ा हाथ से ऐसा या किसी से ऐसा, इससे इससे खोदो जरा, आ जाओ जी, जिधर की निकालते बनता उधर आओ, निकालो जरा। वो नहीं, वो तो रूट है थोड़ा, ये जड़ जो है ना ये दिख रहा है जैसे, ये है जड़, ये देखो ये है जड़, ये होती जड़, ये तो क्राउन जड़ होती, पकड़ के रखने वाले जो इतने बड़े तने को पकड़ के रखता है, इसकी जड़ थोड़ा खोदो ना और निकालो, मक्खी निकालो ना बेटा, अच्छे से निकाल दे गीले से, ये देखो इधर ये जड़ाई है, इसमें से निकालो ये देखो, ये तो सब टूट गई। अब ये बताओ आपकी इतनी इतनी जड़ टूट रही है और ये जड़ निकली, इसको देखो इसमें से कितनी स्वस्थ जड़ है, ये देखो ये है, ये जड़ ये है खाना लेने वाली जड़। ये बताओ ये जड़ जिंदी है कि मरी है? हाँ मुझे स्वस्थ जड़ ढूंढ के बताओ आप, इसमें स्वस्थ जड़ नहीं है, सफेद होनी चाहिए, व्हाइट के लिए अपनी टेक्निक से ये इसकी जड़ यहाँ दिखेगी, हाँ। जिंदी दिखेगी, हाँ। और बिल्कुल सफेद जग दिखेगी, समझ रहे हो? हाँ निकालो जरा, कहीं स्वस्थ जड़ मिल रहा, देखो उसमें दिखाओ, दिखाओ दुकानदार के हिसाब से कर, हाँ। ये देखो इसमें स्वस्थ जड़ दिखी है, तोड़ो जरा ये देखो, ये तोड़ो इसको, तोड़ लो, ये देखो ये स्वस्थ जड़ इतनी सी दिखी है, इतनी सी मतलब केवल इतनी सी जड़ के भरोसे पौधा थोड़ा बहुत खुराक ले रहा है। ये देखो ये जो ये दिख रहा है ना, ये तो खत्म है, ये जो इतनी सी थोड़ी सी जड़ है वो जो आप बता रहे हैं ना 0.05, वो उतनी दिख रही पूरी जड़ 0.05। ये देखो कहीं स्वस्थ जड़ नहीं है, सब काली पड़ गई, सब काली है, और ये खुद भी जड़ जो है ये मोटी वाली जड़ खुद काली पड़ी हुई है, ये जड़ नहीं है, ये पकड़ने वाली है जड़ होती है ये, देखो ये छोटी छोटी जड़ निकाल के इसी से चूस रहा है। अब सोचो इसकी जड़ इतनी लंबी लंबी हो जाए यहाँ तक आए तो इस पौधे का तना नहीं बढ़ेगा, नहीं आंधी तूफान का डर खत्म हो जाएगा। हाँ आंधी तूफान का भी डर नहीं होगा, जड़ रहेगी पकड़ बनी रहेगी, ठीक है? तो रूट बढ़ाना, उसके लिए मेरा फार्मूला अन्न द्रव्य रसायन वो डालना है। तीसरा है इसकी जड़ जो है ये नाली चौड़ी है और आपका धड़ा ये पतला है, बेड कम है, बेड ये जो है आपको अभी ये इससे कितना है, 5 फुट है, पूरा 5 फुट भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, हटना भी ऐसा है। तो अभी क्या करना है, इसको 5x7 करना, इसको यहाँ लगाना, यहाँ 5x7, हाँ 5x5 नहीं रखना, क्रॉस क्रॉस ज़िगज़ैग बोलेंगे, समझ रहे हो? 5x7 उसका कारण है, जब देखो अभी देखो यहाँ जो है पौधे में पत्ते में पड़ रहा है, लेकिन उधर पड़ रहा है क्या, क्योंकि यहाँ ऐसे हो गए तो हर पत्ते में धूप पड़ रहा है, तो जब ऐसे जिगजैग लगाओगे 5x7 तो हर पत्ते में, क्योंकि धूप पड़ेगा तब पत्ता खाना बनाएगा। हमने सब घर में सब लाके रख लिया, दाल चावल नमक मिर्ची सब है, खाना बनाने का जुगाड़ नहीं है, तो काम आएगा क्या, खाना हमारे काम आएगा?
तो खाना कब बनाता है पत्ता? जब 5-7 में रखते हो आप, 5x7। हाँ, मतलब 5 यहाँ से यहाँ, ये 5x5 हो गया, 5x5। इसमें क्या पत्ते टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे, आप बताओ, ये पत्ता टकरा है कि नहीं? जे पत्ते में धूप में नहीं पड़ रही है वो खाना बनाएगा क्या? जैसे आपने सोलर प्लेट देखा होगा, उसमें छांव आ जाता है तो उधर बल्ब डिम हो जाती कि नहीं हो जाती? होती कि नहीं होती? तो ये छांव पड़ रहा है, ये खाना, ये बेरोजगार, ये जमीन से खाना भी खा रहा है और काम नहीं कर रहा है। अब काम नहीं करेगा तो धड़ा नहीं आएगा, ऐसा साथ होना। हाँ नहीं, हाँ मैं थोड़ा सा इनको समझा दे रहा हूँ बस। तो 5x7 हो गया। हाँ, चौथा काम आपको क्या करना है कि इसमें क्या है कि इसके बेड को चौड़ा करना, किसके, हाँ, और बेड के ऊपर ये पत्ते डालना है ना, और इस पर मिट्टी चढ़ाना, और ये बीच में काम करना। जैसे हमने आज शुरू किया काम करना, ये हमने काटा, ठीक है, सॉरी, इसको काटा, यहाँ बिछा दिया, ये भी छांव में है ना, ये पत्ता काटा छांव में, जो पत्ते छांव में, ये छांव में है ना, ये, हाँ, ये काम नहीं कर रहे, इसको काटा बिछा दिया, और बिछाने के बाद नाली से मिट्टी चढ़ाना है, ये काम करना है साल में 2 बार। कितने बार? 2 बार। ये जो है ये यहाँ, ये देखो हवा में रहेगी, उड़ जाएगी पूरा, ये जल के मिट्टी में दबी रहेगी तो खाद बनेगी। समझ में आई बात? तो ये मोटी मोटी गणित है, ये आज वहाँ आ जाओ तो मैं प्रॉपर और सिखा दूंगा, पर अभी ऑनलाइन जो है मैंने कहा चलो इतना तुमको सिखा दूं, ठीक है? बहुत अच्छी से। मेरे कुछ फार्मूले हो, अणु जल जीवाणु जल गजब के हैं, एक बार डाल दोगे ना देखना पौधा कैसे चलता है। अभी तो जड़ वगैरह को अच्छा करना है, ठीक है? आज है 28 मार्च 2023 और अभी मैं बुरहानपुर में इनके खेत में आया हूँ। क्या नाम आपका? मुख्तार जी। और आपका? अनवर जी। आज मैंने जितनी खेती सिखाई है समझ में आया? अभी और ट्रेनिंग में आओ, कर लो, अभी जितना उत्पादन आता है उसकी दुगने की गारंटी मेरे तरफ से। इनकी सलाह से करूंगे, इनकी सलाह से करूंगे, हाँ। उनके कहने से करूंगे, हाँ। तो उपज दुगना है, ठीक है, चलिए। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बड़ा अच्छा है, भगवान शिव आपकी जो है मदद कर रहे हैं। चलिए।